दोस्तों नमस्कार, आप द क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज की तारीख में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब का समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 में आज होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर आज होने वाला है एशिया कप 2023 के सुपर फोर का अंतिम महामुकाबला, जहां पर भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से कोलंबो के स्टेडियम में आमने सामने होने वाले हैं भारत और बांग्लादेश। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। लेकिन अगर फाइनल महामुकाबले की तरफ हम फोकस करते हैं तो दोस्तों इस महामुकाबले की फिलहाल कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं है, क्योंकि आपकी इंडिया ऑलरेडी यहां पर फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, आपकी बांग्लादेश की टीम यहां पर ऑलरेडी डिस्क्वालिफाई हो चुकी है, जिसके चलते इस महामुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में भी हमें डेफिनेटली काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले चेंजेस यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। या कल देर रात को यहां पर यह कंफर्म कर दिया गया था कि टीम इंडिया के जितने भी इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं सभी प्लेयर्स हमें यहां पर रेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर मेनली आपके जसप्रीत बुमराह का नाम था, उसके अलावा भाई मोहम्मद सिराज भी हमें यहां पर रेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट में भी यहां पर थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपके केएल राहुल जैसे खिलाड़ी रेस्ट कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। उसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा में प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। खैर दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए हमारी जो पर्सनल फेवरेट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसका आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर भाई मेरे मुताबिक तो कुछ ऐसी होगी इंडिया वर्सेज बांग्लादेश महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11। लेकिन आपके मुताबिक कैसी होनी चाहिए प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज बांग्लादेश महामुकाबले को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि भाई मैच तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन दोस्तों महामुकाबले के ऊपर संकट के बादल यहां पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इस महामुकाबले के लिए लेटेस्ट वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को यहां पर मौसम विभाग ने रिवील कर दिया, जिनको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर भाई आज 70% रेन के चांसेस बताए जा रहे हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग में भी हमें यहां पर रेन देखने को मिली है, लेकिन एक छोटी सी खुशखबरी भी यहां पर है, जहां पर भाई ऑन द मैच टाइम यहां पर केवल 30-40% रेन के चांसेस, जिसके चलते भाई सभी को यहां पर अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि बारिश यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरप्शन बनकर इस महामुकाबले में नहीं आएगी। हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि बारिश यहां पर परेशान ना करे, लेकिन थोड़ा सा मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जरूर किया है, जहां पर भाई मैच के दौरान बारिश हमें एक बार फिर से इस महामुकाबले को इंटरप्ट करती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशिया कप 2023 के फाइनल महामुकाबले को लेकर, जो हमें 17 सितंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से कोलंबो के ही स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। और भी आपको पता है कि भारतीय टीम ने ऑलरेडी यहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर क्वालिफाई कर लिया था। कल जो मैच खेला गया था भाई, वहां पर आपको पता है पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच हुआ था, जिस टीम को यहां पर जीत मिली उसी टीम ने यहां पर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अब 17 सितंबर को ये दोनों टीमें फाइनल महामुकाबले में हमें कोलंबो के स्टेडियम में आमने सामने दिखाई देगी। लेकिन आपके मुताबिक कौन सी टीम बनेगी एशिया कप 2023 की चैंपियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जो इस साल के अंत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच हमें भारत के 12 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाले, लगभग सभी स्टेडियम्स को यहां पर रेनोवेट किया गया है, सभी स्टेडियम्स यहां पर दोबारा से तैयार किए गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की लेटेस्ट फोटो भी हमें यहां पर देखने को मिली है। खैर दोस्तों, आपके वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली 10 की 10 टीमों ने अपने स्क्वाड्स की यहां पर अनाउंसमेंट कर दी है। सभी
क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 15 सदस्य की टीम को यहां पर चुना है, लेकिन एक डेडलाइन डेट यहां पर आईसीसी ने रिवील की, जहां पर आईसीसी ने क्लीन एंड क्लियरली बिल्कुल ऐसा बोल दिया है कि भाई 28 सितंबर वो तारीख होने वाली है, 28 सितंबर से पहले सभी पार्टिसिपेट करने वाली 10 की 10 टीमें अपने स्क्वैड में कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी खिलाड़ी को बाहर निकालकर उसकी जगह पर किसी अनदर खिलाड़ी को ऐड करना चाहते, कोई इंजरी रिप्लेसमेंट करना चाहती है, तो भाई वो बड़े सभी चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 28 सितंबर के बाद स्क्वैड्स में हमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट ये खुद यहां पर आईसीसी ने करके दी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर, जैसे कप 2023 के जस्ट बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में 3 मैचों की बहुत ही जबरदस्त वनडे सीरीज खेलने वाले। इस वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल और वेन्यू यहां पर ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं, यहां पर लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स भी रिवील हो चुकी है, जहां पर भारत में जियो सिनेमा कवर करने वाले गणेश बीच यहां पर अपने सब्सक्राइबर्स लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए कब यहां पर भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में यहां पर काफी सारे सोर्सेज के हवाले से हमें यह खबर देखने को मिली है, जिनके मुताबिक ऐसा बताया गया है कि भाई आपके यहां पर जैसे ही कप 2023 का फाइनल मैच हो जाएगा, उसके जस्ट बाद यहां पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बीसीसीआई भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर देगा, जहां पर भाई टीम इंडिया के मेन खिलाड़ी हमें यहां पर थोड़ा सा रेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 को लेकर, जहां बीसीसीआई और आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली 10 की 10 टीमों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियों की यहां पर शुरुआत कर दी है, और भाई सभी टीमों ने अपनी स्ट्रेटजीज को यहां पर तैयार करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच यहां पर बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली है, जहां पर भाई आज आईपीएल 2024 के दौरान जो आईपीएल 2024 के लिए एक स्पेशल मीटिंग होने वाली, जिस मीटिंग में आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो, आईपीएल 2024 की नीलामी, सभी टीमों के रिटेंशन, रिलीज और रिटेन खिलाड़ों की लिस्ट के ऊपर फाइनल डिसीजन हमें यहां पर बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहां पर फाइनल कंक्लूजन, फाइनल अपडेट हमें यहां पर बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिलती है, तो अपडेट आपको सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर, जहां पर आईपीएल 2024 के लिए आरसीबी ने भी अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया। लेकिन इसी बीच यहां पर आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी की टीम ने बड़ा डिसीजन लिया, अपने पूरे के पूरे कोचिंग स्टाफ को यह टीम बदलने वाली है। पहले जितने भी कोचेज थे सबको यहां पर स्क्वाड से रिलीज किया जाएगा, बिल्कुल नया स्टाफ यहां पर आईपीएल 2024 में हमें इस टीम का देखने को मिलने वाला है। यह अनाउंसमेंट है खुद आरसीबी की तरफ से हमें यहां पर ऑफिशियली उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर या फिर न्यूज वेबसाइट्स पर हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों यहां दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की छोटे बच्चे बनाई ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।